हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे हम प्रॉक्सी चेन्स को कैसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको टोर इंस्टॉल करना होगा। मैंने पहले से टोर इंस्टॉल किया हुआ है और अपने सिस्टम पे टोर इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है apt-get इंस्टॉल। तो ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसने ये मुझे दिखाया है। जब आप करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। प्रॉक्सी चेन्स को काम करने के लिए सबसे पहले आपको टोर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बाद हमको जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है प्रॉक्सी चेन्स की, वो एडिट करनी पड़ेगी। तो उसको एडिट करने के लिए नैनो कमांड यूज करेंगे, नैनो ptc प्रॉक्सी चेन्स। हमारी प्रॉक्सी चेन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो इस फोल्डर में सेव होती है। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से प्रॉक्सी चेन सेटअप की हुई है। यहाँ पे पहले ये लाइंस कमेंट हुई थी, जो मैंने बाद में अनकमेंट कर दी। तो आप देख लीजिए आपको कौन कौन सी लाइन अनकमेंट करनी है। यहाँ पे हम प्रॉक्सी डीएनएस को अनकमेंट करेंगे और हमारी टीसीपी लाइंस को, और इसके बाद जो सॉकेट 4 सॉकेट 5 पे हम उस पर अपना लोकल होस्ट और ये पोर्ट नंबर, जो टोर सर्विसेज होती है वो इस पोर्ट नंबर पर काम करती है। तो यहाँ पर हमने वो लिखी हुई है, तो आपको ऐसे लिखना है, एडिट करना है प्रॉक्सी चेन्स को। उसके बाद हम सेव करने के लिए Ctrl+O एंटर एंड एंटर एंड देन एग्जिट। नाउ वी रन फायरफॉक्स इन आवर प्रोग्राम। तो हाउ टू रन दैट प्रॉक्सी चेन्स एंड द नेम ऑफ प्रोग्राम, लाइक वी आर रनिंग फायरफॉक्स एंड नाउ इट विल गिव यू एरर दैट रूट यूजर डजंट हैव अथॉरिटी फायरफॉक्स। तो हम क्या करेंगे, जो फायरफॉक्स है वो रूट यूजर रन नहीं कर सकता है, इसलिए हम यहाँ से एग्जिट करेंगे रूट यूजर से और हम रन करेंगे प्रॉक्सी चेन्स। देख सकते हैं हमारा फायरफॉक्स ओपन हो गया है प्रॉक्सी चेन्स के साथ। अगर हमको डकडक को अगर आपको डकडक को जो है टोर ब्राउजर से आपको डकडक को और टोर सर्विसेज साथ में यूज करनी है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट डकडक को की सर्विस यूज करनी है, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा। अब देखिए दैट्स ये ओपन हो गया है, बट इन सम केसेस अगर आपको ब्राउजर ओपन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आप अपने टोर सर्विसेज को चेक करेंगे कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव। तो उसको चेक करने के लिए आपको कमांड देनी होगी सर्विस टोर स्टेटस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी सर्विस एक्टिव है। अगर आपकी सर्विस एक्टिव नहीं होगी तो यहाँ पे आपको इनएक्टिव शो करेगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए, लेट माय सर्विस एक्टिव नहीं है तो उसको आप एक्टिव करने के लिए यहाँ पे सर्विस स्टोर डार्ट कमांड यूज करेंगे। देखिए जो आपकी सर्विस है वो पासवर्ड डालने के बाद आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी एंड देन यू कैन यूज डकडक को सर्च इंजिन एंड यू कैन सी दैट माय सर्च इंजिन इज वर्किंग फाइन एंड यू कैन सर्च एनीथिंग। It's totally running fine. If you guys, if you find the video helpful, then please share and like the video and subscribe the channel. Thank you.